नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर प्रियंका टंडन। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो साधना में। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और साल 2024 की प्रेडिक्शंस का वेट कर रहे होंगे। धन धान्य सौभाग्य किसको नहीं चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मैं फेमस बन जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास भरपूर पैसा हो, जितनी मैं मेहनत करूं उससे कई गुना ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? मुझे लगता है कि शायद हाँ और शायद ना, क्योंकि बिना मेहनत करे, बिना किसी चीज़ को ट्राई करे आपको किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता। और ऐसे ही ये ग्रह नक्षत्र है हमारे जीवन में, आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, आपको नहीं पता कहाँ पर। और बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ इसके यहाँ बैठने से ये रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपके माता पिता को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपके धन धान्य को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपके बच्चों को, आपके बच्चों की स्टडीज़ को, आपकी स्टडीज़ को, आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही नवग्रह हमारे जीवन में हमारे जीवन को चलाते हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं, लोगों को समझना सिखाते हैं, हमारे जीवन में कब कौन सा बदलाव ज़रूरी है ये सिखाते हैं। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा साल 2024 सिंह राशि यानी कि लियोज आपके लिए। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपके लव लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके करियर के बारे में। अगर बात करें सिंह राशि वालों की, तो साल की शुरुआत 2024 की जो शुरुआत है वहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ में, शनि महाराज जो हैं आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि आपको लाकर देते हैं व्यापार में वृद्धि। सारी राशियों को देख रही हूँ कि इस बार बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन सारे रिजल्ट्स आपके कर्म भाव से होंगे। कर्म अच्छे करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपके ग्रह नक्षत्र अच्छा रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, तो आपको भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी इनकम डबल होगी। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, और जो आप नहीं चाहते या आपके साथ आपको लगता है आपको नहीं मिल पा रहा, वो भी आपको मिलने में मदद हो जाती है। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं है। एक साल ये एनर्जी आपके साथ रहेगी, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा लोनलीनेस का सामना जो है करना पड़ सकता है सिंह राशि वालों। सबके होते हुए भी अपने आप को अकेला पाएंगे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठने वाले हैं शनि महाराज। और साथ में अगर हम बात करें इस वर्ष में लंबी यात्राएं जो हैं आप करेंगे, विदेश जाने के भी बहुत सारे योग बन रहे हैं, बहुत सारे मौके आपको आएंगे जहां पर आपको विदेश जाना पड़ सकता है, वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। बृहस्पति महाराज की अगर हम बात करें यहां पर, तो वर्ष की शुरुआत में से मई की अगर हम बात करें, तो मई से लेकर प्रथम तारीख से अब नवम भाव में रहकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देने वाले हैं। साथ ही में आपका मन जो है अच्छे कामों में लगेगा। राहु की उपस्थिति होने के कारण, आपके आठवें भाव में रहने के कारण आपके स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही में आवश्यक होगा कि आप अपने परिवार में शांति और समृद्धि को बनाए रखें, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट ये कहती है कि शांति और समृद्धि 2024 में सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन धान्य सौभाग्य तो आ जाता है, लेकिन मन की शांति और परिवार की शांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको पाने में इंसानों को सदियां लग जाती हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से संभाल कर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मन शांत रहेगा तो तभी अपने काम में जो है आप दिमाग को लगा पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपकी प्रेम की बात करूँ, आपकी लव लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि इस साल की शुरुआत में ही आपके प्रेम संबंध जो हैं थोड़े से परेशानी वाले हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग गैप हो सकता है कि परेशानी क्रिएट हो जाए थर्ड पर्सन की वजह से, कोई थर्ड पर्सन आके आपकी रिलेशनशिप में इंटरप्ट कर दे। साथ ही में मंगल जो ग्रह हैं यहाँ पर, वो थोड़े से मुझे आपके जीवन में खलल लालटे नज़र आ रहे हैं कि आपकी परेशानी जो है बढ़ सकती है मंगल ग्रह की वजह से। साथ ही में मंगल ग्रह की और सूर्य की युति मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, तो इसके कारण क्या होगा, आपके जो पंचम भाव में जो ग्रह विराजमान है वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका फैमिली क्लैश क्रिएट हो सकता है, बच्चों से मोह थोड़ा सा दूर हो सकता है, बच्चे आपको नहीं समझेंगे, आप बच्चों को नहीं समझेंगे, तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। कोशिश करें कि हर प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करें, बच्चों से बात करें, कम्युनिकेट करें, बैठकर सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हर प्रकार की चुनौतियां जो हैं उसके लिए तैयार रहे। साल हो सकता है कि चुनौतियों का सामना जो है आपको करना पड़े, स्पेशली आपके प्रेम संबंध में अशांति मुझे यहाँ पर होती हुई नजर आई, लेकिन डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने से, उपाय करने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। रिश्तों को मजबूत कैसे करें, रिश्ते मजबूत होंगे सितंबर के बाद, रिश्ते आपके 2024 के सितंबर के बाद मजबूत होते नजर आएंगे, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सावधानियां आपको बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी जल्दबाजी में ना पड़े, जल्दबाजी में रिश्तों को ना बनाएं, जल्दबाजी में शादी ना करें, जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप के लिए हाँ ना करें, प्रपोजल्स को बहुत सोच समझ के आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक समस्याएँ
हो सकती है कि आपके पेरेंट्स भी आपके रिश्ते से डिसअग्री कर दें। सिंह राशि वालों, आपके करियर की बात करते हैं। करियर की शुरुआत जो है बहुत अच्छी होने वाली है, आपको प्रमोशन मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी, आपको ट्रैवल की जॉब मिल सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। चेंजेस मैं देख रही थी सभी राशि वालों के बारे में पढ़ रही थी कि राशियों में बहुत सारी चेंजेस आने हैं, कि कहीं आपकी पारिवारिक जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। साल 2024 की बात करिए तो चंद्रमा चंद्रमा और साथ में राहु की वाइब्रेशन बनती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी, इमोशंस ओवरपावर करेंगे, आपको अनस्टेबल रहेंगे, गुस्सा आएगा, कभी शांत, कभी बहुत गुस्सा, कभी मूड स्विंग्स, बहुत सारी मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स लेडीज़ में, या एक दूसरे को लेकर मन मुटाव होना, ये 2024 में मुझे काफ़ी राशियों में नज़र आ रहा है। और ऐसे ही सिंह राशि वालों की मैं बात करी थी करियर के बारे में कि भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा आप लगेंगे 2024 में, लेकिन हो सकता है कि जितनी भाग दौड़ करें उतना रिजल्ट भी आपको आए। जुलाई के महीने के बाद भाग दौड़ आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। नौकरी, आप जो स्थिति है नौकरी की, वो अच्छी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। नौकरी में कामयाबी आपको मिलेगी, अच्छा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, सुख सुविधाएँ आपको मिलेंगी। साथ ही में सहयोग जो आपके ग्रहों के बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, घर में खुशी का माहौल रहेगा। यह वर्ष आपको परिवार का पूरा सहयोग जो है मिलेगा। साथ ही में मार्च से लेकर जून तक के बीच में अपने पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। कोशिश करें कि छोटी सी कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, कि बड़े कोई कॉन्सिक्वेंसेस उनके लाइफ में क्रिएट ना हो जाए। जितना धार्मिक कार्य करेंगे, जितना शनि महाराज की पूजा करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा ट्रैवल अगर आपको अननेसेसरी करना पड़ता है तो उसको भी वो कंट्रोल करेगा। जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है मिल सकता है। कैसी लगी आपको अपनी प्रेडिक्शन? आशा करती हूँ कि आप सभी को अपनी प्रेडिक्शंस पसंद आ रही होंगी। यदि आपको पसंद आती है, हमारे चैनल को फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमसे कंसल्ट करें, अपनी राशि के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में हमसे डिटेल बात करें। जय माँ काली।